शास्त्री नगर दंगों में जिले की पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। दंगा लगभग उसी रात ही खत्म हो गया था और पुलिस ने मुस्तैदी से, बिल्कुल सख्ती से उन उपद्रवियों को जो पत्थर चला रहे थे, आग लगा रहे थे या और दूसरे थे, लगभग सबको पकड़ लिया है या फिर उन्हें चिन्हित किया गया है। इसमें 120 लोगों की नाम देकर FIR दर्ज हुई थी और बाकी का, जैसे SP City ने, हम आपको पहले भी एक न्यूज़ में बताया था कि SP City ने खुद कहा था कि बाकी के वीडियो को भी खंगाला जा रहा है और उसमें जो कोई भी पाया जा रहा है उसके खिलाफ FIR के तहत उसको सज़ा होगी, जेल भेजा जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों को पुलिस ने उठाया है, बहुत सारे लोगों को पुलिस ने रेड करके उठाया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पुलिस ने रात और दिन छापामारी में उठाया। उसमें से 10 लोग ऐसे भी हैं जो SP ऑफिस पहुंचे थे कोई ज्ञापन सौंपने के लिए और पुलिस ने उनको डिटेन किया और बाद में अरेस्ट कर लिया। उन्हीं की तरफ से आज उनके कुछ परिवार के लोग विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की नेता के साथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने SP ऑफिस में जाकर SP साहब से मुलाकात की और ये कहा कि ये लोग निर्दोष हैं और इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक ज्ञापन सौंपने आए थे और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, ये डिटेन कर लिया। जिस पर SSP ने भी उनसे वादा किया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जाँच होगी और अगर ये लोग बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं और सचमुच इनका कोई लेना देना नहीं है तो इन्हें जल्द छोड़ दिया जाएगा। और इससे काफ़ी संतुष्ट दिखे VHP की महिला नेता भी और एक जो अरेस्ट किए गए हैं उनकी तरफ से उनकी पत्नी थी, वो भी काफ़ी संतुष्ट दिखी कि अगर बेगुनाहों को छोड़ दे रहे हैं तो बस वो सेटिस्फाइड हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हम भी आशा करते हैं कि जो भी बेगुनाह लोग हैं उनको पुलिस छोड़ देगी। अब काफ़ी दिन हो जा रहे हैं, अगर कोई बेगुनाह पाया जा रहा है किसी भी पक्ष का हो, अगर वो बेगुनाह है तो पुलिस को छोड़ देना चाहिए। इससे पुलिस के प्रति न केवल सम्मान भी बढ़ेगा, साथ ही साथ पुलिस के लिए लोगों के मन में जो एक इज्जत है वो भी बढ़ेगी। मगर ये ज़रूर है कि जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों को पाया गया है, वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा ना समझ ले कि 1979 और 1980 जैसा फसाद कराना बच्चों का खेल है, वो जब चाहेंगे तब करा लेंगे। हम लोग बस ये चाहते हैं कि उन लोग 10 तारीख को जो भी लोग आए थे वो सिर्फ ज्ञापन सौंपने आए थे और वो 10 के 10 निर्दोष है। और SP साहब से भी हमारा बात हुआ है, उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया है कि जो भी निर्दोष है जल्द से जल्द वो लोग बाहर आ जाएंगे और हम उनके इस बात से सहमत हैं। बाकी बाहर के जो भी नेता जी है, जो भी है, उनसे हमारा कोई भी अटैचमेंट या कुछ लेना देना नहीं है, बस इसी ज़्यादा कुछ नहीं कहना। क्या नाम है उनका, आपके हस्बैंड का? एस शंकर राय। आपका नाम क्या हुआ? एस ज्योति। जो 9 लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है उसी संदर्भ में आज हम लोग SP साहब से मिले हैं। SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और निर्दोषों को जल्द से जल्द छोड़ेंगे। कौन कौन लोग को पकड़े थे? BHP के हमारे जो अधिकारी थे उनके बारे में किस मामले में उनको यहाँ से गिरफ्तार? उनको कदमा शास्त्री नगर में जो अभी ये घटना घटी थी उसी संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है उनका? नहीं, जो जी जनार्दन पांडे जी, उनमें जनार्दन पांडे जी, शंकर राव जी, डॉक्टर भोला रोहा, चंदन चौबे जी, राजेश चौबे जी, अनिरुद्ध गिरी जी, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे उसी दिन उनकी गिरफ्तारी जी। क्या नाम हुआ आपका? मैं विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका पूनम रेड्डी।